हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको नॉन खटाई बिस्कुट बनाकर दिखाएंगे। इसके लिए हमने ली है 1/4 कप पिसी हुई चीनी है। इसको हम एक बाउल में डाल लेते हैं और हम ये आधा कप घी लेंगे। ये घी है ना तो मेल्ट किया हुआ है और ना ही ये जमा हुआ है, एकदम ये परफेक्ट है। आपको भी ऐसा ही घी लेना है और इसको हम बूरा में डाल देते हैं। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से फेंटेंगे जब तक कि इसका कलर वाइट ना हो जाए, ये एक क्रीम के जैसा हो जाएगा। हम इसको जितना फेंटेंगे उतना ही ये हल्का होगा और उतनी ही अच्छी हमारी नान खटाई बनेगी। ये देखिए, ये बिल्कुल क्रीम के जैसी बन गई है। आप इसको जितना फेंटेंगे ये उतने ही अच्छे नान खटाई बन के तैयार होंगे। अब इसको एक तरफ रख लेते हैं। ये हम 1 कप मैदा लेंगे और 2 चम्मच इसमें सूजी डालेंगे। ये सूजी हमने बारीक वाली सूजी ली है और 2 चम्मच बेसन डालेंगे और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से छान लेंगे। याद रहे कि आपको ये सभी चीज़ें छान के ही लेनी है। इन सभी चीज़ों को छान लिया है। इन सभी चीज़ों को इस फैटे हुए घी में डालेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे और ये 1/2 चम्मच इलायची डालेंगे। इलायची डालने से बिस्कुट का टेस्ट काफ़ी टेस्टी हो जाएगा और इनको हम हाथों की सहायता से अच्छे से मिलाएंगे। आपको इसमें पानी और दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा घी कम लगे तो आप इसमें थोड़ा घी डाल सकते हैं। हम इसे आटे की तरह नहीं गूंथेंगे, इसे हमें अच्छे से बस जोड़ना है। ये देखिए, ऐसे जुड़ जाएगा। ये देखिए, इसको हमने गूथा नहीं है, इसको हमने हल्के हाथों से मिक्स करके ऐसे जोड़ दिया है। अगर आपको ये थोड़ा सूखा लगे तो आप इसमें थोड़ा घी डालकर मिला सकते हैं। ये हमने एक प्लेट में फॉइल लगा ली है। अब हम इसमें नॉन खटाई बनाकर रखेंगे। हम इस चम्मच से ऐसे भरेंगे ताकि हमारी नॉन खटाई सब एक बराबर बने। ऐसे भर के हम बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे हल्का सा दबा देंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम सभी नान खटाई बना लेंगे। ये हमारा मिक्सर बचा हुआ है, इसकी हम बाद में बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने प्लेट में रख ली है। इनको हम थोड़े गैप पर रखेंगे क्योंकि ये जब गर्म होगी, पकेगी, तब ये फैल जाएगी। इनके ऊपर हम हल्का सा प्लस का निशान बनाएंगे, ऐसे ऐसे। इनके ऊपर हम थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे। आप चाहें तो बादाम भी क्रश करके डाल सकते हैं। कढ़ाई को हमने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब हम इसमें ये प्लेट रख लेते हैं और इसको वापस ढक देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तब तक हम बचे हुए मिक्सचर के भी नान खटाई बना लेते हैं। हमने ये दूसरी प्लेट में फॉइल लगा ली है, इसमें हम दूसरी शेप की नान खटाई बनाएंगे। ये देखिए, हम ऐसी बनाएंगे।
इसको हल्के से ऐसे दबा दे। नान खटाई काफ़ी टेस्टी होते हैं और ये सबको अच्छे लगते हैं, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये हमारी लास्ट नान खटाई है, इसको हम बीच में रखेंगे। इन सभी में भी हम कट लगा देंगे, इन सभी में हमने कट लगा दिया है। इनके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा पिस्ता डाल देंगे। आप चाहें तो इन्हें बिना पिस्ता के भी बना सकते हैं। इसमें मैंने बेसन और सूजी डाली है, आप चाहें तो इसे खाली मैदा से भी बना सकते हैं और मैदा की जगह आप आटा भी ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको सभी चीज़ें छान कर लेनी है और घी को मेल्ट करके नहीं लेना है। आप सभी चीज़ें एक ही मेजरमेंट से डालें। आपके घर में कप है या कटोरी है, जिस चीज़ से भी आप लें उससे ही सभी चीज़ें डालें। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम नान खटाई चेक कर लेते हैं। ये देखिए नान खटाई कितनी अच्छे से फूली है। इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए और रखेंगे। ध्यान रहे कि 10 मिनट के बाद एक बार आपको ज़रूर चेक करना है। कई लोग इसे ओवन में बनाते हैं और ठेले वाले इसे कोयले से बनाते हैं। आज मैं आपको कढ़ाई में बनाकर दिखा रही हूँ। 7 मिनट हो गई है, अब हम नान खटाई चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर नान खटाई बनकर तैयार हुई है। अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। इनका कलर भी देखो हल्का सा ब्राउन हो गया है। थोड़ा सावधानी से निकालेंगे और हमने ये जो दूसरी नान खटाई बनाई थी इनको हम इसके अंदर रख देते हैं। इनको भी हम 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम नान खटाई चेक करते हैं। ये देखिए नान खटाई कितनी अच्छे से फूल गई है। इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए और रखेंगे। ये हम बीच में इसलिए चेक करते हैं ताकि हमारी नान खटाई जल ना जाए। अगर हमें गैस तेज लग रही है तो हम इसे कम कर सकते हैं, कम है तो इसे थोड़ा तेज कर सकते हैं। 7 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी नान खटाई चेक करते हैं। ये नान खटाई अभी हमारी बनी नहीं है, इनको हम 5 मिनट के लिए और रखेंगे क्योंकि ये हमने थोड़ी बड़ी बनाई है। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम नान खटाई चेक कर लेते हैं। ये देखिए इनका कलर ऊपर से हल्का सा ब्राउन हो गया है, इससे पता चलता है कि ये बनकर तैयार है। अब हम प्लेट को सावधानी से बाहर निकाल लेते हैं। इनमें थोड़ा 5 मिनट का टाइम ज़्यादा लगा है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी नान खटाई है। सभी नान खटाई बनकर तैयार है। अब मैं आपको इनको पीछे से दिखाती हूँ ये कितनी परफेक्ट बनी है। ये देखिए ये एकदम खस्ता बनी है। हमारी गरम नान खटाई है, ये अभी काफ़ी सॉफ्ट है, को हम अभी नहीं छुएंगे नहीं तो ये टूट जाएंगी। ये ठंडी हो चुकी है, इनको हमने आपको दिखा दिया है। ये देखिए कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है। अब हम इन्हें आपको तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है। ये छोटे और बड़ों को सबको पसंद आती है। इनका मेजरमेंट आप वैसे ही ले जैसे मैंने लिया है ताकि आपकी भी नान खटाई मेरे जैसी खस्ता और टेस्टी बने। और ध्यान रहे कि आपको घी मेल्ट करके नहीं लेना है और सभी चीज़ों को छानकर ही लेना है, तभी नान खटाई परफेक्ट बनेगी। इनको हम 1 महीने तक एयर टाइट डब्बे में बंद कर खा सकते हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन दबाना ना भूले ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।